हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में पूरे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन होता है 2023 में। अभी मैंने दो दिन पहले ही वीडियो बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी, और मैंने सटीक एकदम जानकारी दी थी। काफ़ी लोग बता रहे थे, मेरे पास फ़ोन भी आया था कि क्या केजेएमयू इस बार अलग कराई थी। मैं उस वीडियो में बताया था कि केजेएमयू अलग नहीं कराएगी, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एक ब्रॉड यूनिवर्सिटी है, इसी के थ्रू पूरा कंडक्ट कराती है। ये गवर्नमेंट का एक वो है, एजेंडा है कि एक ही एग्जाम के थ्रू अटल बिहारी का बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होना चाहिए। तो आप भी गूगल पर सर्च करिए एबीबीएमयू, जैसे ही सर्च करेंगे आप पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फर्स्ट लिंक पे आप भी क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर आपको वो ब्राउचर डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ये देखिए, अब आप इस पर क्लिक कर लीजिए, रेड वाले पट्टी पर क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, ये देख लीजिए बीएससी नर्सिंग फोर ईयर कोर्स इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, इस पर आप ओके कर देंगे, ब्राउचर डाउनलोड हो जाएगा। और पोस्ट बेसिक के लिए अगर जीएनएम वाले स्टूडेंट को ये चीज़ है, लेकिन आपको बीएससी नर्सिंग की मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप इस पर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पर डाउनलोड कर लीजिए। मैं एक बार डाउनलोड कर चुका हूँ, और WPS में आप ओके कर लीजिए। जैसे ही ओके करेंगे आपका ये देखिए पूरी स्लाइड ओपन हो जाएगी, पूरी ये देख लीजिए, अच्छे से देखिए सब चीज़ें इसमें क्या चीज़ लिखी गई है। एक एडवर्टाइजमेंट भी पहले आया था, तो ये देखिए इसमें लिखा गया है ऑल नर्सिंग कॉलेज एफिलिएटेड टू एबीएमयू, जितने नर्सिंग कॉलेज हैं गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये एफिलिएटेड हैं मतलब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड जुड़े हुए हैं, जो प्राइवेट कॉलेज और जो गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे SGPGI लखनऊ, केजीएमयू, देखिए केजीएमयू जुड़ गया ना। अभी दो दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था कि अगर केजीएमयू अलग होती है तो और भी यूनिवर्सिटी अलग होने लगेंगी, तो वही चीज़ जो मैं बताया था 100% बोला भी था, सही है तो सही भी है, देखिए क्या हुआ। और लखनऊ RML भी इसके थ्रू जुड़ा रहेगा, और UP UMS सेफाई में आपके एक अभी इसका और भी फॉर्म आएगा, लेकिन उसमें बीएससी नर्सिंग इंक्लूड नहीं रहेगा। और बीएससी नर्सिंग जो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंस SFI में जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है ना, इसी के थ्रू होगा। पैरा मेडिकल के लिए अदर CPNET होता है, लेकिन इस बार क्या, पिछली बार से ही बीएससी नर्सिंग आपको अगर करना है SFI से, तो अटल बिहारी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ये देखिए लिखा गया है ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर डीम यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, इसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा। देखिए आज 4 PM पे मैं लाइव आऊँगा और हर एक आपके डाउट क्लियर करूँगा, तो आप 4 बजे तक वेट करिए, 4 और 4:30 के बीच में मैं लाइव ज़रूर आऊँगा। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा व्हाट्सअप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए और प्रिपरेशन करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड भी करा दूँगा, तो इतना मैं करा दूँगा कि आपका 100% आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जैसे मैं आज लाइव आऊँगा कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उस पर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और पढ़ाई तो अब करनी ही पड़ेगी, मैंने बताया था ना, जो बताया था एकदम एग्जैक्ट सही है। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल, 15 अप्रैल से आपका एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, मींस आज से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी 2-3 दिन आप वेट करिए, अच्छे से समझिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और लास्ट डेट 18 मई है, और एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। और एंट्रेंस एग्जाम देखिए, मैंने बोला था जून में आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे 100%, तो जून में आपका 4 जून का आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। और प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जब एडमिट कार्ड आएगा उस पर लिखा रहेगा आप क्या चूज करेंगे, और डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन वो भी बाद में आपका होगा। अब पूरी जानकारी और चीज़ें जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आप ये देख लीजिए क्या कौन कौन से इसमें कॉलेज जुड़े हुए हैं, बीएससी नर्सिंग फोर ईयर, SGPGI, KGMU, RML, UPMS, ऑल गवर्नमेंट, इसमें EF वाला इसमें देख लीजिए। अभी इसमें कुछ जैसे आपका GSBM कानपुर ये नहीं लिखा है, लेकिन इसमें F पॉइंट पे जाएंगे ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो सभी यूनिवर्सिटी इसमें इन्वॉल्व होंगे। और सेंटर आपका कहाँ कहाँ पे, ये आप सेंटर टेस्ट आप चूज कर सकते हैं, सभी मतलब ये समझिए सिटी में आपके सेंटर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय हर एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल थ्रू ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, और ऑनलाइन आपका एंट्रेंस एग्जाम भी होगा। तो अभी पूरी जानकारी इसमें देखिए, ₹2000 फीस हैं आपके, ₹3000 फीस हैं कैटेगरीज के, ₹2000 फीस हैं। तो ये देख लीजिए आप अनरिजर्व जो बैकवर्ड जो SC ST और PWD के हैं 2000 और सभी के 3000, तो काफ़ी पैसा लगेगा। और 17000 और 17 साल मिनिमम होना चाहिए, 35 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए इसको, और एज लिमिट तो रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा कैटेगरीज वाइज।
तो इसमें पूरी जितनी जानकारी है ना, अभी जब मैं लाइव आऊँगा आज 4 बजे, हर एक पॉइंट को आपको क्लियर करूँगा। तो आप अपने क्वेश्चन लिख लीजिए कहीं पे, और सभी क्वेश्चन आप ऑनलाइन में पूछिएगा ज़रूर, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब चीज़ें बताई जाएंगी। और आप कौन कौन सी वीडियो रिवाइज करेंगे मेरे चैनल के माध्यम से, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो है, सभी को रिवाइज करना पड़ेगा। कितना समय है अभी, अभी देखिए 15 अप्रैल के बाद मई जून आपके पास समथिंग में 1-1.5 महीना मान के चलिए कि है, 1.5 महीने में आप कैसे करेंगे भाई, जुड़ जाइए और दिन रात एक कर दीजिए, 15 घंटे डेली पढ़िए, सिलेक्शन की गारंटी हो जाएगी। लेकिन वही है, आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए 4 बजे लाइव आएंगे, तो लाइव में आप लोग जरूर आइएगा और मैं हर चीज़ बताऊंगा, कैसे तैयारी करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, कौन सी बुक पढ़ेंगे, सब चीज़ें, कोई भी क्वेश्चन होगा आपका जरूर आप सॉल्व करेंगे और चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। पेपर क्या होगा, हिंदी इंग्लिश सब सब चीज़ें बताएंगे। तो अभी मेरी ड्यूटी है, मैं अभी पोस्टिंग जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। थैंक यू।